हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का जो अब हमारा है DPP-4, अब हम डिस्कस करेंगे DPP-4। लास्ट क्लास तक हम DPP-3 डिस्कस कर चुके थे, लास्ट लेक्चर तक, अब हम DPP-4 डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा DPP-4 का, पहले आप बना लो उसके बाद देखो। और DPP-4 तक बनाने के लिए आपको है कि शुरुआती आपको 10-12 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है, तब आप खुद से बना सकते हो DPP-4 को। अदरवाइज आप एक DPP-4 का लुक ले लो डाउनलोड करके, फिर आगे बनाते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था, 1 है कि फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए चार्ज ऑफ 15×10⁻⁴ कूलम, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगा। फोर्स कितना है 2.25 न्यूटन और चार्ज है आपका 15×10⁻⁴ कूलम। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा E, फोर्स कितना 2.25 बटा चार्ज 15×10⁻⁴, ऊपर जाएगा 10⁻⁴ यानी 22500 बटा 15, यह हो जाएगा 1500 यानी 1500 न्यूटन पर कूलम। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी, करेक्ट। दूसरा है कि ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर एज शोन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है और वह कंडक्टर है, तो ध्यान देना कंडक्टर में क्या क्या होता है। कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, यह कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। और स्फेयर का केस अगर हो तो स्फेयर में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियल होना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, रेडियल ओवर कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर पर रेडियल होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जो होता है जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ना कि इलेक्ट्रिक करंट में, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जीरो होता है। तो उसके आधार पे देखोगे तो रेडियल होना चाहिए, तो रेडियल आपको ए ऑप्शन में है और बी में है। ए में और बी में क्या है, रेडियल है, लेकिन अंतर क्या है, फिगर स्पष्ट नहीं आपको दिख रहा होगा, फिर भी आप गौर से देखना। अंतर यह है कि ए वाले में एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, हम फोटो ड्रॉ कर दें क्या अंतर है, देखने में एक ही जैसा लग रहा है लेकिन है अंतर। अंतर है क्या कि यहाँ कंडक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ठीक है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो यह पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर पे, तो इधर से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही जाना चाहिए। तो ऐसा ए ऑप्शन में है। और बी ऑप्शन में देखोगे कि बी ऑप्शन में क्या है कि ऐसे आ तो रहा है लेकिन इधर वाला लाइन में ऐसे दिखा दिया है, जो कि गलत है। वह ऐसे दिखा रखा है, इधर से ऐसे दिखा रखा है, तो यह गलत हो गया। यह रेडियल होगा, ये बात तो सही है, यह रेडियल होगा, रेडियस के तरफ जाएगा तभी जाके परपेंडिकुलर, लेकिन यहां से अगर आ रहा है इस टाइप से तो यहां से ऐसे निकलना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी और डी में तो क्लियर है कि वहां रेडियल था ही नहीं, सो गलत है। और डी ऑप्शन तो महा गलत है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जो कि गलत है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, उसके पास जाता नहीं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री कि हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर पैरेलल टू द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। अरे भाई डायमीटर, डायमीटर क्या है? डायमीटर तो रेडियस के लॉन्ग ही होता है ना, और हम जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के केस में वह रेडियल होगा ऑन द सरफेस। तो इसीलिए अगर हेमिस्फीयर है, ओ हेमिस्फीयर के बारे में बोल रहा है, अच्छा अच्छा ये टोटल स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी ऐसा, ठीक है। और यह डायमीटर रहा, यह क्या हो गया? डायमीटर। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर है, परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा ये। तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज है, अगर यह क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल सिमेट्री होने की वजह से दोनों साइड में क्या है? सिमेट्री है। तो दोनों सिमेट्री है तो ना इसके तरफ झुकेगा ना इसके तरफ झुकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अगर सिमेट्री है, मान लो तुम कहोगे कि नहीं इधर झुकेगा, तो भाई जब इधर झुकेगा तो इधर क्यों नहीं झुकेगा? क्योंकि जो तो इस साइड है वही चीज इस साइड है। ये कहेगा मान लो कि उधर जाओ, ये वाला कहेगा कि नहीं तुम इधर जाओ। दोनों सिमेट्री है तो दोनों तरफ से इक्वल कोशिश होगा, तो जब दोनों तरफ से अगर इक्वल कोशिश होगा तो रिजल्टेंट कहां चला जाएगा? बीचो बीच। तो इसीलिए परपेंडिकुलर हो जाएगा डायमीटर पे, ठीक है ना, ये टिल्ट रहेगा ना पैरेलल, डन। क्योंकि मान लो इधर कोई कंपोनेंट लेते हो तो यह कंपोनेंट इधर फोर्स लगाएगा, सिमिलरली यहां का कंपोनेंट क्या करेगा? इधर फोर्स लगाएगा, और दोनों बराबर बराबर फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट बीच में। इसी प्रकार हर एक कंपोनेंट के कारण रिजल्टेंट बीच में ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर भी फिर इसी सिद्धांत पर आधारित है, मेटल के प्रॉपर्टीज पर। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में? कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया, क्योंकि दूसरा तीसरा क्या है कि वो दिखा रहा है कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है। तो दूसरा तीसरा ऐसे ही गलत हो गया। पहला है कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो दिखाया है, ठीक बात है, लेकिन रेडियल नहीं दिखाया है, यानी परपेंडिकुलर सरफेस पर नहीं दिखाया है, इसीलिए पहला भी गलत। और चौथा बिल्कुल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि चौथा में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से दिखाया है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे, यानी रेडियल दिखा रहा है कि रेडियस के तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे निकलते हुए दिखाया है, तो यह करेक्ट है। और यहाँ अंदर नहीं दिखाया है, सही बात है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो फील्ड लाइन भी नहीं होगा। पांचवा, पांचवा है कि टू इक्वल पॉइंट चार्जेज ऑफ वन माइक्रोकूलम इच आर लोकेटेड एट पॉइंट आई प्लस जे प्लस के एंड दिस वन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अब क्या है कि दो पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी नहीं दिया है बल्कि दोनों के बीच का पोजिशन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो चार्ज है ना, क्यू वन है और एक, दोनों बराबर ही है, क्यू वन बराबर क्यू टू बराबर क्या है? वन माइक्रोकूलम। और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है यानी R1 मान लेते हैं, वह I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और R2 जो दे रखा है वह दे रखा है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप, सब मीटर में दे रखा है, ठीक बात। हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना भी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के बीच में दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज यह निकालना हो तो वह क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा R12, R12 लिखो तब, या R21 लिखो तब। इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है तो आप R12 का मैग्नीट्यूड या R21 का मैग्नीट्यूड कोई भी लिखो, वही हो जाएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो सपोज हम यहां लिखते हैं R21, R21 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हो जाएगा 2 में से वो एक घटा दो i कैप, प्लस 3 में से फिर एक घटा दो j कैप, प्लस माइनस 1 में से माइनस 1 घटा दो k कैप। इसके में से 2 में से इसका 1, 3 में से इसका 1 और माइनस 1 में से इसका 1, तो यह हो गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 k कैप।
तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 दुना 4, फिर यह 4, फिर यह 1, यानी रूट अंडर 9, यानी 3 मीटर। तो 3 मीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 × 1 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ तो −12 अपॉन R स्क्वायर, यानी 3 × 9, 9 से 9 कट गया, आंसर आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। क्या हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। पांचवा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था DPP नंबर 4 में। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डेफिनेशन है। आप इसके लिए नोट्स को रेफर कर सकते हो, हम बस एक बार रीड आउट कर देते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रीजन अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इट इज अ रीजन अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे बोल सकते हैं, द रीजन अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज वेयर एन इन अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स, एन इन अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स, यह वह क्षेत्र है जहां पे कोई दूसरा चार्ज रखा जाए वह फोर्स का अनुभव करे, वह कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वह एक तरह से मेजरमेंट हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, यह किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं है बल्कि क्या है, इट इज अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करो, यानी +1 चार्ज को क्या करो, प्लेस करो, और उस चार्ज पर जो फोर्स अनुभव होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या एक तरह से रेट हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया वास्तव में, फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसके बाद 7th है, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन के बदला ML T - 2, और कूलम के बदला करंट गुने टाइम, यानी ML T - 3 A - 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोले बाय डिफॉल्ट, तो समझना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बोल रहा है, कभी भी कहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी चार्ज्ड कंडक्टर, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, सब थ्योरी में लिखा हुआ है इसलिए बस समझाना है, फिर से रिविजन हो जाएगा एक तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस हुज टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हुज टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वह इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, अपने मन से मान लेते हैं, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है ड्रॉन अराउंड अ चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज विच रिप्रेजेंट्स द हुज टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसका टेंजेंट, अगर जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा दे दिया तो इस पॉइंट पर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा,
मतलब यहाँ पर प्लस वन चार्ज रखते तो इधर फोर्स लगता है, यहाँ पे रखते तो इधर फोर्स लगता है, और यहाँ पे रखते तो इधर फोर्स लगता है। अगर ऐसा है तो हम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। इसी में है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, मान लो यह कंडक्टर है, चार्ज है, तो कह रहा है कि इस पर चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। यस, होना चाहिए। मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं होता, मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं होता, सब लेक्चर में बताए हैं कि अगर यह परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा होता तो इसका दो कंपोनेंट हो जाता, ई कॉस थीटा और दूसरा हो जाता ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से क्या होता है कि इस कंपोनेंट की वजह से सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगता, सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होता, फोर्स लगता, एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा होना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई चार्ज को फ्लो करना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, यानी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है उस समय फ्लो नहीं कर रहा होगा, और फ्लो नहीं कर रहा होगा मतलब कोई ई कॉस थीटा नहीं होगा, और ई कॉस थीटा नहीं होगा तभी जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि देयर मस्ट नॉट बी एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। सर्फेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो सर्फेस के अलोंग नहीं होगा तो फिर किधर होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, आठवां के बाद नाइन, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसका भी वही कंडीशन है कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो होता तो इसके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है चूंकि कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता है मूव करने के लिए, फोर्स लगेगा तो मूव करने लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, अरे भाई कोई चीज फ्री है मूव करने के लिए, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, और कोई फोर्स नहीं लगा रहा है मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यही हम लिखेंगे कंट्राडिक्टरी फॉर्म में, हम लिखेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो देन इलेक्ट्रॉन मस्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड सिंस इट इज फ्री टू मूव इट शुड मूव, एंड इट बट इट डज नॉट हैपन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। मन है तो आप इसको लिख लो जो हम बोले हैं। दसवां, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस इन ए चार्ज फ्री रीजन बिकॉज इट कैन स्टार्ट ओनली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन दैट नेगेटिव चार्ज, बट इन ए सिंगल चार्ज सिस्टम इट मे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इन दैट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले या कभी नहीं खत्म होगा और ना इन्फिनिटी से पहले कभी शुरू होगा। मतलब सीधा हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट स्टार्ट इन फ्री स्पेस, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, एंड इट मस्ट नॉट एंड इन फ्री स्पेस, इट एंड्स या दे एंड एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी इन सिंगल चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकता है, फ्री स्पेस से नहीं निकल सकता है। तो फ्री अगर स्पेस में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से अगर न निकल सकता है न खत्म हो सकता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करने का मतलब क्या होगा कि वहाँ अचानक फील्ड खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, फोर्स लग रहा था अचानक खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। दूसरा है 11 नंबर है कि व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यह क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है। तो इसका भी कारण आप दो कारण लिख सकते हो, लेक्चर में पढ़ाया गया है। एक ये लिख सकते हो कि एक ही चार्ज से शुरू और एक ही पर खत्म नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम चार्ज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव देन इट एंड्स एट नेगेटिव, पॉजिटिव से शुरू होता है एंड खत्म होता है नेगेटिव पर, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है।
तो यह पॉसिबल नहीं है, तो क्लोज लूप बनेगा ही नहीं। क्लोज लूप बनने के लिए क्या है कि जिस चार्ज से शुरू होता है उस चार्ज पे आके खत्म होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। दूसरा चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब टोटल वर्क डन इन क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। कंजर्वेटिव है, टोटल वर्क डन मस्ट बी जीरो, टोटल वर्क डन जीरो। अगर यह क्लोज लूप फॉर्म कर लेता है, इफ इट फॉर्म्स क्लोज लूप, अगर क्लोज लूप फॉर्म कर लेगा तो टोटल वर्क डन जीरो नहीं होगा। यहाँ पर भी फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ पर भी फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो हर केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन जीरो कैसे होगा। लेकिन अगर इस टाइप से रहा, नहीं क्लोज लूप नहीं बना रहा है, तो क्लोज लूप अगर ये वाला क्लोज लूप नहीं है लेकिन ये वाला क्लोज लूप है, तो इसमें क्या होगा कि इधर गया तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, और जब यहाँ से रिटर्न आ रहा था तो फोर्स उधर लग रहा था, मूव इधर कर रहा था, तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव हो गया। तो फाइनली यहां से चल के यहां वापस आएगा, टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन हम यही मेनली लिख देंगे कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू या पॉजिटिव चार्ज पे इट कैन नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम चार्ज। इफ इट इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव बट इट डज नॉट एंड एट पॉजिटिव, या स्टार्ट तो होता है पॉजिटिव से लेकिन खत्म नहीं होता। इट एंड्स एट नेगेटिव बट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव पे खत्म तो होता है लेकिन शुरू नहीं होता है। टू फॉर्म ए क्लोज लूप इट मस्ट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम चार्ज। क्लोज लूप बनाने के लिए इसको एक ही चार्ज से शुरू या खत्म होना पड़ेगा, जो कि नहीं होता है। चलिए 12 नंबर, है Why do two field lines do not intersect each other? दो field lines आपस में क्यों intersect नहीं करता है? इसको भी contradictory से बनाएंगे कि if they intersect, अगर यह intersect करेगा, then there will be two tangent, at the point of intersection. There will be two tangent corresponding to different curves, different field lines at the point of intersection. तो यहाँ पर इस कर्व के अकॉर्डिंग देखोगे तो यह टेंजेंट है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इस कर्व के अकॉर्डिंग देखोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड संभव नहीं है। देखो, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड था इस टाइप का, हम पहले देखे थे एक ही पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही संभव है, दो संभव नहीं है। तो अगर किसी पॉइंट पर मान लो तुम दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाले और ऐसे निकाले, ऐसे E1 और E2, तो फील्ड लाइंस ना इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा ना इसके अकॉर्डिंग, रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ होता है। तो रिजल्टेंट ऐसा है तो फील्ड लाइन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी टेंजेंट इस पर होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट होता है वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में संभव नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 13 वही है, राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप लिख दोगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट एंड्स एट नेगेटिव, बट इन सिंगल चार्ज सिस्टम इट मे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी और एंड एट इन्फिनिटी, पहला। दूसरा हो गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। एंड फिर तीसरा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स और स्टार्ट, मीन्स दे आर कंटिन्यूअस इन ए चार्ज फ्री रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन द चार्ज फ्री रीजन। और चौथा लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। चार पॉइंट लिखेंगे, बात खत्म। 14 नंबर है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। और फिगर दिया ही नहीं है, वाह कोई बात नहीं, हम यहाँ फिगर दे देते हैं। उसके कारण कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हॉलो सिलेंडर है, इस तरह से सब पर पॉजिटिव चार्ज है, सब पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम बीचों बीच चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन।
फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर जाके एकदम टर्निंग पर जाके इसका भी इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इस सब का मिला के इस टाइप से फील्ड लाइंस बनेगा एंड पे। इधर आ जाओगे फिर स्ट्रेट लाइन लगभग। इस टाइप से आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक, इस टाइप से आप ड्रॉ कर दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके कारण भी इसी प्रकार होगा, 3D हो जाएगा, थोड़ा इससे दूर भागेगा, ये बाहर की ओर है। आप बस ये ड्रॉ कर दो, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर। Which of the following field lines are not possible explain with reason? पहला नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, रीजन, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, जबकि इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यह संभव नहीं है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है। और भी कारण है कोई? नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा है, यही कारण है। बी भी नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होना चाहिए कंडक्टर पे, जो कि नहीं है। सी पॉसिबल है। पॉजिटिव से निकलना चाहिए, या निकल रहा है, ठीक बात है। डी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अरे, इस असाइनमेंट को बनाने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ सकते हो। 16 नंबर, में है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज कोरस्पॉन्डिंग टू पाथ ए बी एंड सी इन बिलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रेटेस्ट चार्ज टू मास रेशियो जस्टिफाई। देखो, यह प्लेट दे रखा है क्वेश्चन में कि यह पॉजिटिव प्लेट है और यह नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, और कुछ डिविएशन इस प्रकार से दिया है, ए बी सी इस प्रकार से दिया है, सी बी ए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ए और बी पॉजिटिव के तरफ जा रहा है, नेगेटिव से दूर भाग रहा है, तो ए एंड बी जो होगा वह आपका हो जाएगा किस नेचर का? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ए और बी वाला जो पाथ है वह नेगेटिव चार्ज का होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, नेगेटिव से दूर भागा है। और सी जो होगा यह पॉजिटिवली चार्ज होगा, यह पॉजिटिव चार्ज होगा। और चूंकि डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा हुआ है, सी में डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है, सो Q2 चार्ज बटा मास रेशियो जो होगा ग्रेटेस्ट फॉर सी, क्योंकि जिसका जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जितना मास कम होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा, क्योंकि फोर्स लगाने के बाद ज्यादा डेविएशन किसमें होता है? हल्का चीज में, भारी चीज में डेविएशन कम होगा। आप एक हाथ लगाओ एक छोटा सा गेंद में और एक पत्थर में, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा? बॉल। तो यानी जो हल्का होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। दिख रहा है कि सी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सी ज्यादा डिफ्लेक्ट करने का दो कारण हो सकता है, एक कि उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, दूसरा इसका मास कम है, यानी चार्ज ऊपर और मास नीचे। क्यों? तो यहां चार्ज बाई मास रेशियो बोला है ना, चार्ज टू मास रेशियो सी का ज्यादा होगा, ठीक है। ए और बी का लगभग एक जैसा ही होगा, तो ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट। 17 नंबर,
17 है कि एन आयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना इन मिल्कन आयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ आयल इज इतना एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। एक ड्रॉप है ठीक है, इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है यानी इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कितना 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 12 ही हो गया एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसके कारण नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यह स्टेशनरी है, तो भैया स्टेशनरी क्यों नहीं रहता है, कोई चीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे भागता है, स्टेशनरी रहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है नेगेटिव चार्ज पर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा नीचे की ओर होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगता है। तो अब क्या है कि एफ ई बराबर एम जी हमको कर देना है, बात खत्म, एफ ई बराबर एम जी, तो एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, यानी के की जगह 1/4 pi epsilon naught की जगह, अरे इसकी जरूरत नहीं है, ई दिया हुआ है ना, तो सिंपल फोर्स क्या हो जाएगा क्यू ई, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई, तो क्यू दे रखा है -12, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो 12 × 1.6 × 10⁻¹⁹, चार्ज हो गया ई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 2.55 × 10⁴ N/C, तो यहाँ हो जाएगा 2.55 × 10⁴ N/C, इतना हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यह ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा मास, तो मास होता है डेंसिटी गुने वॉल्यूम, मास क्या होता है डेंसिटी गुने वॉल्यूम, हाँ तो डेंसिटी है 1.26 g/cm³, 1.26 g/cm³, ठीक है डेंसिटी यही रहने देते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम हम मान लेते हैं कितना 4/3 πr³, सेंटीमीटर में ही वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं, रेडियस कितना आर सेंटीमीटर, रेडियस अगर सेंटीमीटर में मान ले तो डेंसिटी से गुना करेंगे तो यहाँ मास जो आएगा ग्राम में आएगा, और उसको केजी में बदलने के लिए 10⁻³ से गुना कर देंगे, और जी का वैल्यू दे रखा है 9.81 मानने के लिए, तो हम 9.81 मान लेंगे, और चार्ज का वैल्यू 1.6 बोला है मानने के लिए, मान लिए 1.6 × 10⁻¹⁹, बस अब सॉल्व करना है, अब क्या करना है सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं अब क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर इधर सबको एक साथ लिखो 12 1.6 2.55, पावर वाला बाद में लिखेंगे, और इधर से कौन हो जाएगा गुना में 3 चला जाएगा गुना में 3, ठीक है, अब पावर लिखते हैं 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, यहाँ -19 और यहाँ 4 घट के हो गया -15, यह हो जाएगा 10⁻⁵ बटा इधर से कौन कौन डिवीजन,
के यानी 1/4 pi epsilon naught। अब लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज e फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस d इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e। काइनेमेटिक्स को मिक्स कर दिया है, काइनेमेटिक्स को इसमें क्या किया है, मिक्स कर दिया, डिस्टेंस डिस्टेंस पूछ रहा है, हो गया। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मास इसका दे रखा है कि आप m मानना, मान लेंगे। चार्ज बोल रहा है कि e मानना, ठीक है, माइनस ई होगा, या ई बोला है तो अब हम ई ही लिख लेते हैं, लेकिन माइनस ई होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट रहा होगा, माइनस ई चार्ज हो गया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस डी, डिस्टेंस कितना है, डी, डिस्टेंस बराबर डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई है, वेलोसिटी पूछ रहा है फाइनल क्या होगा। वाह, पहले तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी जब भी पूछे, यानी वी डिस्टेंस दिया हो तो यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स, फोर्स कितना, तो चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो क्या हो जाएगा, चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना हो जाएगा फोर्स, और इसमें मास से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। इनिशियली जीरो वेलोसिटी था तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जीरो प्लस टू ई अपॉन एम, डिस्टेंस की जगह डी, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर टू ई डी अपॉन एम, यही आंसर हो जाएगा, बस छोटा सा था, ओके। तो ये कुछ DPP-4 डिस्कस हो चुका है, अगला लेक्चर में हम फिर DPP-5 डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए इसको अच्छे से बनाइएगा, ओके, बाय बाय।